आज 9 अप्रैल हमारा पिछले 24 घंटा में नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ जगह में थंडरस्टॉर्म का साथ रेनफॉल एक्टिविटी हुआ है, हेलस्टॉर्म रिपोर्ट हुआ है केवनचार डिस्ट्रिक्ट में, और साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश हुआ है, मीन्स आइसोलेटेड वे में बारिश हुआ है। हाइस्ट बारिश जो मिला है नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में 38.0 मिलीमीटर, रायगढ़ में, जॉयपटना कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में 37.0 मिलीमीटर, कटक डिस्ट्रिक्ट में तिगिरिया में 35.0 मिलीमीटर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में चंदनपुर 34.8 मिलीमीटर, इस तरह से बारिश हुआ है। मेनली लाइट टू मॉडरेट नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा एरिया, कुछ कुछ जगह में साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके हुआ है। हाइस्ट टेम्परेचर था हमारा टिटलागढ़ में 42.0, उसके बाद हमारा बोलांगीर में भी 41.5, झारसुगुदा 40.0, भवानीपटना 40.5, सोनपुर 40.8, मलकानगिरी 40, इस तरह से 40 एंड अबव एक प्लेस में था। कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर स्वाभाविक से थोड़ा कम भी है, और इंटीरियर उड़ीसा में मोस्टली स्वाभाविक के आसपास ही है, एक दो जगह में थोड़ा सा स्वाभाविक से ज्यादा है, बट हमारा स्वाभाविक टेम्परेचर ही चिटला बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट, भवानीपटना डिस्ट्रिक्ट उस तरफ अभी ज्यादा रहते हैं, 39, 40, 41 तक रहते हैं, तो ये स्वाभाविक का आसपास है। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट रहेगा, अगला 5 दिन ही हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, बट अगला 2 दिन में ज्यादा एरिया में, और उसके बाद धीरे धीरे कम रहेगा, बट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अगला 5 दिन ही रहेगा। जैसा नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा मेनली मयूरभंज, बालासोर, जाजपुर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, कोरापुट, गजपति, रायगढ़, केवनझर, ये सब डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ तेज हवा 40 to 50, गस्टी सरफेस विंड्स 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, कुआ पत्थर भी एक तो जगह में गिर सकता है। बाकी हमारा कोस्टल उड़ीसा का बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में उसका साथ ओंगोल, बौद्ध, सुंदरगढ़, मलकानगिरी, कंधमाल, नवरंगपुर, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग हमारा है, 30-40 किलोमीटर पर आवर तक गस्टी सरफेस विंड भी इस एरिया में जा सकता है। और अदर जो डिस्ट्रिक्ट रह गया इसमें भी हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का पॉसिबिलिटी है। कुल मिलाकर के आज हमारा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जैसे मयूरभंज, केवनझर, और साउथ का कोरापुट, गजपति, रायगढ़, काला हमारा एसब डिस्ट्रिक्ट में, कमालकानगिरी एसब डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का इंटेंसिटी ज्यादा रहने का चांसेस है, और बाकी एरिया में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का चांसेस है, लाइट टू मॉडरेट रेन भी चांसेस है। फिर 24 आवर्स का बाद इंटेंसिटी एरिया वाइज थोड़ा कम होगा, बट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा। जैसा हमारा कल गजपति, गंजाम, कंधमाल, मालकानगिरी, कोरापुट, नयागढ़, कटक, धेनकेनाल, केवनझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, ये सब डिस्ट्रिक्ट में रहने का चांसेस है, पॉसिबिलिटी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक तो जगह में पॉसिबिलिटी है। फिर डे 3 में भी रहेगा, डे 4 में भी रहेगा, और डे 5 में रहेगा, मीन्स 13-12 तारीख तक ज्यादा रहने का चांसेस है, बट 13 तारीख में चांसेस है, बट मेनली कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, गजपति, कंधमाल, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। भुवनेश्वर कुल मिला करके अगला 5 दिन ही थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, बट डे 5 में हमारा ओनली एक्सट्रीम साउथ इंटीरियर में डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। और अभी हमारा भुवनेश्वर सिटी का जो है, भुवनेश्वर सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर कल 36.2 था, और बारिश भी कल रात में हुआ था 2.1 मिलीमीटर, थंडर एक्टिविटी भी था। अभी अगला 2 दिन में भी हमारा भुवनेश्वर सिटी में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है, आज जैसा इवनिंग व नाइट का तरह होने का चांसेस है, कल भी ऐसा चांसेस है। और आज मैक्सिमम टेम्परेचर 35 का आसपास रहेगा, उसके बाद कल भी 36 का बीच में रहेगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा ज्यादा 37-36 इसी तरह से रहेगा, मीन्स अभी स्वाभाविक का आसपास ही टेम्परेचर रहने का चांसेस है। ओके।